IVTV देखता है इंडिया। सुनो इस देश के रहनुमाओं, सुने आधुनिक सभ्यता के आसमानी टीलों पर बैठी सरकारें, सुने ये खामोशी, समझे इस खामोशी के पीछे का दर्द। ये तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं है, ये पूरी मानवता और सत्यता को मौन कर देने वाली तस्वीर है। सुने, एक मासूम की मौत नहीं हुई है सिर्फ, इस मौत में हम सब की मौतें हैं, हम सब मरे हैं थोड़े थोड़े। लेकिन जालिमों, तुम नहीं समझोगे इस खामोशी को, नहीं समझोगे इस दर्द को। लेकिन नीतीश कुमार सुन लें, सुशासन जिसका आप दम भरते हैं, उसी सुशासन पर आपकी सरकार के लिए हत्यारा लिखा गया है। खामोश और रोता कौन नहीं किसी को खो देने पर, लेकिन जो खामोशी जिस्म से लेकर रूह तक को बेजान कर दे, ये वो खामोशी है। जो जिंदा बस्तियों को शमशान बना दे, ये वो खामोशी है। किस बात की सरकार, किस बात का सुशासन और किस बात की पुलिस, जब मधुबनी के बेनीपट्टी में एक पत्रकार और RTI एक्टिविस्ट अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा को जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। कसूर बस इतना था कि वो सुशासन के दावों की पोल खोल रहे थे, फर्जी नर्सिंग होम में हो रही धांधली और अवैध कामों को उजागर कर रहे थे। अविनाश झा ने दर्जनों फर्जी नर्सिंग होम पर परिवार व RTI के माध्यम से लाखों का जुर्माना और कितनों को बंद करवा चुके हैं। इस दौरान उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। ये जो घटना हुआ है अविनाश झा और बुद्धिनाथ का अपहरण के बाद हत्या, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही मेरा कहना है, जो यहाँ जो प्रशासन है, सबसे बड़ा बात यह है जो यहाँ का प्रशासन जो है चोर है, और चोर ये है जो सबसे जो सही चीज है, जो सही आदमी है, उसको मतलब यहाँ से उठा लिया जाता है और मार के फेंक दिया जाता है। इस पर प्रशासन का कोई कुछ नहीं चलता है। चार दिन हो गया, चार दिन से प्रशासन जो है हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन प्रशासन को ये पता नहीं चल रहा है जो आखिर ये क्या हो रहा है। हम लोग को ये कहना है जो अगर प्रशासन को से नहीं हो रहा है तो जो भाई आगे जो है वो पता करके बताइए जो आखिर क्या है। बेनीपट्टी प्रशासन जो है सिर्फ दारू वाले को खोजता है। जो सही आदमी है, जो सही का जो है चयन करता है, जो सही बोलता है, उसको मार के फेंक दिया जाता है। और प्रशासन जो है यहाँ अपना मिली भगत से सबसे कमीशन खा के अपना काम जो है कर रहा है। मेरा यही कहना है जो सही का न्याय मिलना चाहिए, और हम लोग जितना लोग सारे बेनीपट्टी के जनता है सब लोग एक जगह मिल बैठ के इस पे जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। जो प्रशासन जो है जो गलत कर रहा है, इसको जो है सही से मतलब जो सही कार्रवाई हो होना चाहिए। बताइए, ये तो डर की बात है। अभी सरकार द्वारा या कोई पंचायत चुनाव हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है जो हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन क्या सुरक्षा मिला ये तो साबित हो रहा है। 200 से 250 मीटर की दूरी पे थाना है बेनीपट्टी में, और यहाँ से अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा जो है जो यहाँ से अपहरण करके ले जा रहा है, ले गया है, और उसको जो है जो मार के कहीं फेंक दिया जा रहा है। इससे शर्मसार क्या हम लोग तो दहशत में हैं। जो हम अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने दें या ना निकलने दें, 300 मीटर की डिस्टेंस, थाना के डिस्टेंस में एक घर से बच्चा को बुलाकर अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया जाता है, और प्रशासन को कान में जू तक नहीं रह रहा है। चार दिन पहले प्रशासन को पता लग गया था जब यहाँ से बच्चा का को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन प्रशासन चार दिन तक बस खाली बैठ के दफनी बजाती रही, और प्रशासन को कुछ भनक तक नहीं लग जाता है और बच्चे को मर्डर हो जाता है। हम लोग कैसे रहे ये समझ में नहीं आता है। जब प्रशासन का अपना अफसर आता है तो सारे काफिला को लगा दिया जाता है, लेकिन पब्लिक की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करता है प्रशासन। प्रशासन का बस इतना ही काम रह गया है जो कौन कौन दारू बेचता है उसका नाम लिखो, उससे ये उगाही करो, जो नहीं देता है उसको छापा मारो, अरेस्ट कर लो, पैसे ले लो, छोड़ दो। लेकिन आम पब्लिक मर रहे या जिंदा रहे, इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 नवंबर की रात अपने घर के पास स्थित क्लिनिक के करीब लगे CCTV कैमरे में 9:58 पर रात में उन्हें अंतिम बार देखा गया। इससे पहले वो करीब 9 बजे से 9:58 तक CCTV में कई बार घर की गली से लेकर मुख्य सड़क तक घूमते और फोन पर बात करते हुए नजर आए। अंतिम बार उन्हें 9:58 पर देखा गया। 10 तारीख को इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस को सफलता हासिल नहीं लगी। 12 तारीख को शाम को 7:41 पर
परिजनों को एक लाश मिलने की खबर आई, जिसके शिनाख्त की गई तो लाश अविनाश झा की थी। शव को जलाकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। शव की पहचान अविनाश झा के हाथ की अंगूठी, पैर में मस्से का निशान, गले में चेन से की गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है त्रिलोकनाथ झा। आपके परिवार के सदस्य के साथ कुछ घटना हुई है, उनके बारे में जानकारी? मेरा छोटा भाई था बुद्धदेव, और अविनाश अविनाश करके मेरे को इसको जानता था, पत्रकार लाइन से जुड़ा हुआ था, और जो है परिवार दर के माध्यम से आईटीआई के माध्यम से फर्जी हॉस्पिटल के विरोध में अभियान चला रहा था काफी कुछ दिनों से, जिसमें काफी फर्जी होम को जो है बंद करके भागना भी पड़ा और कितना को जुर्माना भी लगा। इसी के चलते सब फर्जी नर्सिंग होम जितना है आपस में मीटिंग करके षड्यंत्र रच के मेरा भाई जो है 9:30 रात में दिन से गायब है। किस तारीख को गायब हुए थे? जो है आपको छठ का खरना दिन 9 तारीख को गायब है। जो मेरे ऊपर लगा हुआ है सीसीटीवी फुटेज, जो 9:58 में गया हुआ है किसी से मोबाइल बात करते हुए, इसको मोबाइल के जरिए कॉल करा के बुला के जो है इस तरह का घटना का काम किया गया है। आपको आपके अपने भाई का शव कब और कहां से बरामद हुआ? मेरा भाई का शव जो है उड़न से आगे जाते हैं वहीं पर बरगा से आगे बाया में हमको कल बरामद हुआ। किस थाना क्षेत्र में? ये थाना क्षेत्र जो है बेनीपट्टी पड़ता है। अच्छा, उसके बाद बरामद होने के बाद क्या प्रक्रिया अब तक हुई है? बरामद होने के बाद इसको पोस्टमार्टम कराए, इसके बाद अंतिम संस्कार जो है मान के चलिए हम लोग किए हैं। अभी तक जो है किसी तरह का हमको प्रक्रिया नजर नहीं आ रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई और प्रशासनिक जांच से कितना संतुष्ट है अब तक? प्रशासनिक कार्य से हम जो है माने शुरू से लेकर अभी तक इनको हम हर विषय में ऊपर सहयोग किए हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं एकदम नजर लग रहा है हमको प्रशासन तरफ से किसी तरह का सहयोग नहीं किया जा रहा है। अब आपको शंका किन किन लोगों पर है कि जो इस पर घटना कर, क्योंकि कुछ लोगों को नामजद भी किया गया है FIR में? वही जो है नामजद जितना किया गया है सब पर शंका है, इसके बाद जो है वो अनन्या, इसके बाद जो है संतोष डॉक्टर ये सब है, सब जो है पूरा शंका है, सब प्रशासन सब स्तर से जाँच करके सब पर कार्रवाई करे। फेसबुक पर कुछ स्टेटस लगाए थे, ऐसा कुछ आप जानकारी बता रहे थे? फेसबुक पर स्टेटस जो है लगाया हुआ था घटना से कुछ दिन पहले, 15 तारीख को खेला हो गया, चूँकि ये कुछ रखा हुआ था कार्यनीति तो उस कार्रवाई करने के लिए लोगों के विरोध में, तो इसी जो है लगाया हुआ था, इसके बाद जो है 9 तारीख से हुआ। प्रशासन से आप प्रशासनिक जांच के लिए इस मामले में कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे उच्च पदाधिकारियों से, आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक मेरा भाई को न्याय दिलाने की कृपा करिए, चूँकि हम शुरू से लेकर अभी तक हम आपके जितना साथ में हैं कहीं ना कहीं हम भी जो है अपना कर्जा प्रपत्र मार किसी द्वारा आप लोगों के साथ में है, चूँकि आप लोगों से भरोसा किया जाए कि न्याय मिले, लेकिन अब हमारा जो है सब्र टूटते जा रहा है, चूँकि आप लोगों का जो काया प्रक्रिया है ये हमको कहीं ना कहीं जो है संतुष्ट कर रहा है, संतुष्टि हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है, चूँकि घटना घटने के बाद मेरा भाई लापता होता है, इसके बाद जो है इसका डेड बॉडी मिलता है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई अपराधी मेरे नज़र में नहीं पकड़ा गया है, नहीं किसी से इस तरह का बात है, इसीलिए हम अपील करते हैं उच्च पदाधिकारियों से अपने स्तर से आके इसको जल्द से जल्द हत्यारा को गिरफ्तार करें, हम लोगों को न्याय दिलाने की काम करें। बोलिए सुशासन बाबू बोलिए, जिस बिहार में आप सुशासन और सत्यता की बातें करते हैं वहां ऐसा होता है क्या? सच तो यह है सरकार कि जिस मासूम की एक मुस्कान के लिए तड़प रहे हैं उसके परिजन, उसे छीन लिया आपके सिस्टम ने। जी हां सरकार, आपके खोखले सिस्टम ने। बजाते रहिए पीपनी जांच की, दोषियों को पकड़ने की, लेकिन सरकार सुनिए इस खामोशी को, समझिए इस दर्द को, लेकिन सरकार आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि सुन लेते तो कलेजा छलनी हो जाता। IVTV के लिए आशीष पराशर की रिपोर्ट।